चलिए देखिए, टुडे वी हैव स्टार्टेड द एसडीएफएस हडूप फाइल सिस्टम। बस ये 2 मिनट में उसको कर दूं रिवाइज, है ना। एसडीएफएस डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम हम लोगों ने आज स्टार्ट किया है। दिस इज नॉट न्यू फॉर यू, वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम फर्स्ट क्लास टू दिस क्लास। डेली हम लोग इस एसडीएफएस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। SDFS is based as SDFS is employ a name node and data node architecture. Name node और data node architecture पर हमारा ये SDFS work करता है, है ना। और ये highly scalable है और इसके अंदर Hadoop cluster अपन लोग use करते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैंने आपको बताया कि SDFS is a key part of the many Hadoop ecosystem technology such as provide a reliable means for managing pools of big data and supporting related big data analytics tools, है ना। तो big data analytics applications and big data के बीच में एक pool का काम करता है आपका SDFS. SDFS अपने आप में एक base है, है ना। फिर इसके बाद हम लोगों ने start किया था कि how SDFS work, SDFS किस तरीके से काम करता है। SDFS जो भी data होता है उस data को किस तरह से support करता है। SDFS support the rapid transfer of data between computes nodes, है ना, at outset. It was closely coupled with map reduce, है ना। map reduce से closely ये coupled होता है क्योंकि data की mapping होती है। mapping करने के बाद reducer लगा के हम लोग results को find out करते हैं, है ना। फिर इसके बाद SDFS क्या करता है, SDFS जो भी data इसको receive होता है उसे छोटे break करता है, उस information को break down करता है into separate blocks, छोटे छोटे block में वो data को डिवाइड करता है। और डिवाइड करने के बाद डिफरेंट नंबर ऑफ नोड क्लस्टर के डिफरेंट नंबर ऑफ नोड्स को वो क्या करता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और इसमें पैरेलली प्रोसेसिंग होती है, है ना, इनेबलिंग हाईली इफिशिएंट पैरेलल प्रोसेसिंग। फिर इसके बाद मोर ओवर द हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम इज स्पेशली डिजाइन टू बी हाईली फॉल्ट टॉलरेंट होता है ये, ठीक है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि एसडीएफएस में मल्टीपल फाइल सिस्टम जो यूज होता है उसमें मल्टीपल फाइल्स की कॉपी मल्टीपल टाइम्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है डिफरेंट नंबर ऑफ नोड्स के बीच में। अब इस बीच में यदि कोई पर्टिकुलर नोड यदि फेल होता है तो हमारी प्रोसेसिंग ब्रेक नहीं होती, उसे हम डेटा को रिकवर कर सकते हैं किसी भी अनादर लोकेशन से, क्लियर। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि SDFS यूजेस मास्टर स्लैब आर्किटेक्चर। ये भी आपको पता है कि मास्टर क्या करता है, स्लैब क्या करता है। मास्टर स्लैब आर्किटेक्चर हम लोग यूज करते हैं और इसमें सिंगल नोड मैनेज फाइल सिस्टम ऑपरेशंस एंड सपोर्टिंग डेटा नोड्स दैट मैनेज डेटा स्टोरेज ऑन इंडिविजुअल कंप्यूट नोड्स, ये अपन ने डिस्कस किया था, है ना। फिर इसके बाद डेटा नोड्स जो होते हैं एसडीएफएस एलिमेंट्स कंबाइन टू सपोर्ट एप्लीकेशंस विद लार्ज डेटा सेट, ये भी क्लियर है, लार्ज डेटा सेट को सपोर्ट करता है हमारा, है ना। एंड हिज मास्टर नोड डेटा चंकिंग आर्किटेक्चर टेक्स एज इट्स डिजाइन गाइड एलिमेंट्स फ्रॉम गूगल फाइल सिस्टम, ये अपन डिस्कस कर रहे थे। गूगल फाइल सिस्टम के बेस पर मतलब गाइड कहां से मिल रहा है उसको, फ्रॉम गूगल फाइल सिस्टम, अ प्रोप्राइटरी फाइल सिस्टम आउटलाइन इन गूगल टेक्निकल पेपर्स में इसकी डिटेल अपन को मिलती है। यहां तक मैंने डिस्कस कर लिया था, है ना। अब नाउ जैसा कि आप लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है एसडीएफएस के बारे में, उसका देखिए आर्किटेक्चर, देखिए एसडीएफएस आर्किटेक्चर किस तरीके से काम करता है। इसमें क्लाइंट्स होते हैं, इसमें नेम नोड होते हैं जिसके बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं, इसमें मेटा डेटा होता है, मेटा डेटा, है ना। फिर इसके बाद इसमें ब्लॉक्स होते हैं, ये देखिए ब्लॉक्स हमने बताया था आपको कि जो भी डेटा एसडीएफएस में जो भी डेटा क्लाइंट के थ्रू डेटा मिलता है नेम नोड क्या करता है उसको डिफरेंट नंबर ऑफ ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेता है और ये डिफरेंट नंबर ऑफ ब्लॉक्स में से हरे ब्लॉक्स को फिर अनादर नोड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, है ना। और ये जो डेटा आता है आपका, ये जो डेटा आ रहा है अलग अलग ब्लॉक्स में, वो अलग अलग सर्वर के रैक में स्टोर करके रखा जाता है। देखिए रैक 2 दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ डेटा नोड्स हैं, ये डेटा नोड्स हैं, डेटा नोड 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप से, है ना। तो ये डेटा नोड में इनकी रैक होती है, उस रैक में अपने पास जो भी डेटा उनके पास आता है उस डेटा को अपने रैक में रखते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, है ना। ये अलग अलग नोड दिए हुए हैं, ये अलग अलग नोड यहाँ से किस पर्टिकुलर नेम नोड को ये डेटा डिस्ट्रीब्यूट होना है, अलग अलग नोड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ऑन द पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, हर एक नोड अपने आप में डेटा को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद जो भी उसका रिजल्ट्स फाइंड आउट होता है वो रिजल्ट्स वापस
टू द क्लाइंट या टू द सर्वर को प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब इसमें देखिए ये मेटा डेटा दिख रहा है आपको। मेटा डेटा क्या करता है, मेटा डेटा आपको पता है डीबीएमएस में आरडीबीएमएस में आप लोगों ने पढ़ा है, मेटा डेटा इज सपोर्ट टू द दिस इज स्टोर द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द डेटा रिलेटेड टू द नोड्स, मतलब जो भी इस आर्किटेक्चर के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं, है ना, जो भी कंपोनेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, हर सब सब की इंफॉर्मेशन मेटा डेटा के पास होती है। सो एच डी एफ एस आर्किटेक्चर सेंटर्स ऑन कमांडिंग नेम नोड दैट होल्ड्स मेटा डेटा एंड डेटा नोड्स दैट स्टोर इंफॉर्मेशन इन ब्लॉक्स, ओके, वर्किंग एट द हार्ट ऑफ हडूप। किस तरीके से काम करता है ये, हार्ट ऑफ हडूप पर बेस्ड होता है। एच डी एफ एस कैन रिप्लीकेट डेटा एट ग्रेट स्केल। सो ये आर्किटेक्चर आपके लिए नया नहीं है, मैं आप लोगों को मतलब इसके बारे में अपन सभी चीजों के बारे में कई बार अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर। अब इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं इसमें, व्हाई यूज एच डी एफ एस, एच डी एफ एस हम क्यों यूज कर रहे हैं। एच डी एफ एस बहुत सारी कंपनीज यूज कर रही हैं, है ना, बहुत सारी कंपनीज में आपकी याहू हो सकती है, गूगल हो सकता है ना, आपके अमेजोन हो सकती है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि इसका यूज कर रही हैं। व्हाई यूज एच डी एफ एस, द एच डी एफ एस डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम अरोज एट याहू एज अ पार्ट दैट कंपनीज एट सर्विंग एंड सर्च इंजिन रिक्वायरमेंट्स, क्लियर। फिर इसी तरीके से लाइक अदर वेब ओरिएंटेड कंपनीज, कौन सी, याहू फाउंड इटसेल्फ जंगलिंग अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस दैट वेयर एक्सेस्ड बाय ए ग्रोइंग नंबर ऑफ यूजर्स, क्लियर, हु वेयर क्रिएटिंग मोर एंड मोर डेटा। फिर इसके बाद फेसबुक, ईवे, लिंक्डइन एंड ट्विटर आर अमंग द वेब कंपनीज दैट यूज्ड एचडीएफएस टू अंडरपिन बिग डेटा एनालिटिक्स टू एड्रेस दीज सेम रिक्वायरमेंट्स, क्लियर। बट द फाइल सिस्टम फाउंड यूज बियॉन्ड दैट, एचडीएफएस वाज यूज्ड बाय द न्यूयॉर्क टाइम्स एज पार्ट ऑफ लार्ज स्केल इमेजेस इमेज कन्वर्जेशंस, क्लियर। फिर इसके बाद मीडिया 6 डिग्री फॉर लॉग प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग के लिए यूज हो रहा है। फिर इसके बाद लाइव वेट फॉर लॉग स्टोरेज एंड ऑट्स एनालिसिस के लिए। फिर इसके बाद एक जूस्ट होता है, जूस्ट फॉर सेशन एनालिसिस एंड फॉक्स ऑडियंस नेटवर्क फॉर लॉग एनालिसिस एंड डेटा माइनिंग। फिर इसके बाद एच डी एफ एस इज ऑल्सो एट द कोर ऑफ मेनी ओपन सोर्स डेटा वेयर हाउस अल्टरनेटिव समटाइम्स कॉल्ड द डेटा लैक्स भी अपन इसे बोलते हैं। तो एच डी एफ एस क्या कर रहा है, बहुत सारे ओपन सोर्सेज डेटा वेयर हाउसेस हैं, है ना, जहां पर एच डी एफ एस यूज हो रहा है ना, और ये अपने आप में क्या है, इसलिए इसे बोलते हैं डेटा लैक्स, क्या बोलना चाहिए, डेटा का झीलों का डेटा, झील लैक्स मतलब झील होती है, तो बहुत सारा यूज डेटा हमें अवेलेबल है ना, इसलिए बोला गया है डेटा लैक्स। फिर इसके बाद बिकॉज एच डी एफ एस इज टिपिकली डिप्लॉयड एज पार्ट ऑफ वेरी लार्ज स्केल इम्प्लीमेंटेशंस, सपोर्ट फॉर लो कॉस्ट कमोडिटी हार्डवेयर इज अ पर्टिकुलरली यूजफुल फीचर, है ना। तो ये हमें एच डी एफ एस सपोर्ट करता है, डिप्लॉयड एज पार्ट ऑफ वेरी लार्ज स्केल इम्प्लीमेंटेशंस, सपोर्ट फॉर लो कॉस्ट कमोडिटी हार्डवेयर is a particularly useful features के लिए, है ना। फिर इसके बाद such systems running web search and related applications for example can range into the hundred of petabytes and thousands of node, है ना। तो ये हमें कितना use वे में web searching में web मतलब web applications में हम लोग use करते हैं, hundreds of petabytes तक हम चले गए हैं and thousands of nodes पर हम लोग वर्क कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से इसके बाद हम आते हैं, दे मस्ट बी स्पेशली रिसाइलेंट एज सर्वर फेलियर आर कॉमन एट ईच स्केल। तो इस तरीके से देखिए, थोड़ा सा इंटरप्शन जरूर हुआ बीच में,
लेकिन मैंने आप लोगों को डबल से भी पूरा रिवाइज कर दिया है कि एसडीएफएस किस तरीके से काम करता है, व्हाट इज एसडीएफएस डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम हम लोगों ने डिस्कस किया है ना, इसके बाद हाउ एसडीएफएस वर्क, एसडीएफएस किस तरह से, हाउ एसडीएफएस किस तरह से वर्क करता है, देन एसडीएफएस आर्किटेक्चर, एसडीएफएस आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस किया, एंड व्हाई यूज एसडीएफएस, एसडीएफएस हम क्यों यूज कर रहे हैं, है ना। तो एसडीएफएस में आप लोगों ने ये सारी चीजें देखी हैं, ये उसका डायग्राम है, फिर इसके बाद व्हाई यूज एसडीएफएस, हमने क्यों एसडीएफएस को यूज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें एसडीएफएस से रिलेटेड अपन लोगों ने डिस्कस किए हैं, है ना। और आई थिंक आप लोगों को समझ